हेलो बच्चों, पंकज स्टडी सेंटर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। बच्चों, पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट ऑफ स्पीच, फिर उसके बाद नाउन भी उसी में बता चुके थे, प्रोनाउन भी पूरा कंप्लीट पढ़ा चुके हैं। दोस्तों, अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, यानी तो कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट आपको मिल जाएगा सर का। ठीक है दोस्तों, पंकज स्टडी सेंटर के नाम से ही पहला कमेंट होगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव के बारे में जी बिल्कुल, आइए समझते हैं क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों कि एडजेक्टिव कहते किसको है, तो एडजेक्टिव वह शब्द को कहते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषताओं को बतलाता है, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। क्लियर? अब आइए हम लिखते हैं डिफिनेशन और आपको समझाते हैं। तो एडजेक्टिव साथियों होता यह है, देखिए, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट शो द क्वालिटी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वालिटी, ठीक है, ऑफ आइदर ए नाउन और ए प्रोनाउन। बस ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्या क्या? नाउन और ए प्रोनाउन इज नोन एज एडजेक्टिव। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि एडजेक्टिव जो है किसी नाउन या प्रोनाउन का क्वालिटी, स्वभाव, गुण को बताता है, अर्थात उसकी विशेषता को बतलाता है, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, क्लियर? इसका एग्जाम्पल की बात करें, अभी आपको समझाते हैं बिल्कुल बारीकी से एग्जाम्पल। देखिए, इसका एग्जाम्पल की बात करें तो क्या क्या हो जाएगा, जैसे इल, गुड, ये सारा इसका क्या हो जाएगा साथियों, एग्जाम्पल हो जाएगा। अभी हम एक सेंटेंस वाला एग्जाम्पल भी लेकर के आपको समझाते हैं, देखिए ध्यान से। ये सारा हो जाएगा, ईटीसी डाल देते हैं, ज्यादा नहीं लिखेंगे। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है, एडजेक्टिव का पोजिशन आपको समझाएंगे, सारी चीजें बताएंगे। देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, राम इज ए गुड बॉय। ठीक है बच्चों, समझना यह चीज है बालक कि राम यहां पे क्या है अपना, आप लोग हमें बताइए यहां पे राम क्या है। तो आप बोलोगे कि राम सर यहां पे नाउन है, तो जी बिल्कुल सही जवाब, यहां पे ये नाउन है और यही नाउन का कोई विशेषता बता रहा है। राम बबुआ कैसा लड़का है, तो राम अच्छा लड़का है, राम इज ए गुड बॉय। अर्थात यहां पे जो गुड लिखा हुआ है ना बच्चों, ये गुड क्या कर रहा है, अपना विशेषता को बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, तो ये नाउन की विशेषता बता रहा है यहां पे। जैसे हम फिर एक एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं, इसको मिटा देते हैं, हम इसको साफ कर देते हैं। अब एक एग्जाम्पल रखते हैं, जैसे ही इज इल, माना वह बीमार है, समझिए, इल इल माना वह लड़का, या नहीं तो बोल सकते वह बीमार है। अब इसका कहने का क्या मतलब है कि यहां पे सर ही क्या है, पहले आप लोग हमें बताइए बच्चों कि ही क्या है। तो आप बोलोगे सर ही यहां पे प्रोनाउन है, बिल्कुल प्रोनाउन है बच्चों। तो प्रोनाउन यदि है तो इस प्रोनाउन का कोई विशेषता भी बता रहा है, तो कौन विशेषता बता रहा है, वह बीमार है, मतलब बीमार यहां पे जो है ना बच्चों, ये क्या कर रहा है, ये ही का विशेषता बता रहा है, मतलब ये हो गया एडजेक्टिव। क्या हो गया दोस्तों, एडजेक्टिव हो गया। क्लियर हुआ चीज है, आई होप कि आपको एडजेक्टिव समझ में आ गया होगा कि क्या है। इसका डेफिनेशन भी हम लिख दिए हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट आप लिख लें कि वह शब्द, एडजेक्टिव वह शब्द को कहते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, अर्थात उसके गुण स्वभाव को वह दर्शाता है, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। क्लियर? एग्जाम्पल आपके सामने है, आप लोग इस प्रकार से समझ गए होंगे,
अब आइए आगे बात करते हैं दोस्तों हम पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। अब हम एडजेक्टिव अगर किसी सेंटेंस में लिखते हैं तो कहां पे लिखते हैं और किस प्रकार से लिखते हैं और वो किस फॉर्म में रहता है, आइए हम इसकी डिस्कस करते हैं। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, तो साथियों सबसे पहले आप ये चीज क्लियर कर लीजिए कि एडजेक्टिव जो लिखा जाता है वो कब लिखा जाता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताने के लिए लिखा जाता है। तो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए इसे प्रायः वाक्य के अंत में लिखा जाता है, याद रखेंगे बिल्कुल। इसे प्रायः कहां लिखा जाता है, किस केस में, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताने के लिए इसे प्रायः वाक्य के अंत में लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन डिटरमाइनर रहने के बाद, डिटरमाइनर के रूप में इसे क्या किया जाता है, नाउन के ठीक पहले लिखा जाता है। क्लियर दोस्तों, नाउन के ठीक पहले लिखा जाता है, बस यह चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है साथियों। अब आगे जो बात करने वाले हैं हम लोग, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव अर्थात विशेषण के प्रकार, विशेषण के कितने प्रकार हैं साथियों। जनरली तो बहुत सारे लोग कोई सात कोई दस कोई सात कोई दस ऐसे पढ़ा रहे हैं, जनरली हम लोग छह टाइप पढ़ेंगे। बाकी जो टाइप है आपको हम प्रोनाउन में क्लियर करा चुके हैं, ठीक है साथियों। आइए ध्यान से समझिए मेन मेन चीजें क्या क्या है इसमें। देखिए सबसे पहला चीज है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अर्थात गुणवाचक विशेषण, बस वहां पे हम लोग सर्वनाम पढ़ रहे थे, यहां पे विशेषण पढ़ना है, क्लियर दोस्तों। देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी माने इसका हिंदी बोला जाए ना दोस्तों तो गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा इसका हिंदी। अब देखिए बिल्कुल हम डिफिनेशन सही समझाते जाते हैं, यहीं पे क्लियर करते जाते हैं बच्चों। ध्यान ये रखना है कि गुणवाचक विशेषण एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण हिंदी हो गया। अब आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एडजेक्टिव वह एडजेक्टिव जिसका प्रयोग गुण स्वभाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे ब्लैक, कोई मान लेते हैं यह कार काली है या गाय काली है तो वो ब्लैक, ब्लैक क्या कर रहा है, इसका गुण बता रहा है, इसका गुण बता रहा है कि नहीं, ये जो इसका एग्जांपल हो जाएगा ना साथियों हो जाएगा ब्लैक, ब्लैक हो जाएगा। आप लोग बोलते हैं ना सुपर, ग्रेट, ग्रेट माना महान, महात्मा गांधी महान थे, महान लीडर थे, ग्रेट लीडर है ना, तो इस प्रकार से ग्रेट हो जाएगा, ग्रेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारे जो आते हैं ये, फिर नाइस आप लोग लिखते हैं ना कमेंट में करते हैं सर नाइस, तो इस प्रकार का नाइस आता है तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखना है नाइस, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया नाइस, तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया ये सारा, अर्थात वो गुण दिखाने का काम कर रहा है ना, गुण, बिल्कुल ये गुण दिखा रहा है हमें। जैसे आपको बताया ब्लैक, ग्रेट, नाइस, इस प्रकार का और भी हो जाएगा बहुत सारा, सुपर्ब आप लोग लिखते हैं, बहुत सारा होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अपना आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, अब आप समझिए क्वांटिटी का मतलब होता क्या है, तो क्वांटिटी का मतलब होता है परिणाम, क्वांटिटी का मतलब होता है परिणाम, तो इसका हिंदी लिख सकते हैं परिमाण बोधक विशेषण या परिणाम वाचक विशेषण बोल सकते हैं, क्लियर साथियों, परिणाम वाचक विशेषण, क्लियर, तो ये इसका लिख सकते हैं। अब समझिए यहां पे लिख दें विशेषण, विशेषण, ठीक है। अब देखिए अब यहां पे इसका अगर डेफिनेशन की बात करें तो वह एडजेक्टिव जिसका प्रयोग किसी वस्तु की मात्रा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे सम, ऑल, देखिए इसका जो एग्जांपल हो जाएगा क्या हो जाएगा, सम, ऑल, तो देखिए ध्यान से समझिए सम माने क्या होता है, कुछ, जिससे क्या होगा कि एडजेक्टिव वह एडजेक्टिव
जिसका प्रयोग किसी मात्रा का बोध कराने के लिए किया जाता है। जैसे कुछ, ये कुछ मेरा है, ये कुछ मेरा है, ये सब मेरा है, इस प्रकार का जो अगर कोई वर्ड आता है आपको देखने को मिलता है ये सारा वर्ड, तो ये सारा अपना क्या हो जाता है बच्चों, ये हो जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, अर्थात मात्रा का बोध कराएगा वो। क्लियर। नेक्स्ट अपना आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर अर्थात संख्यावाचक विशेषण, इसका हिंदी बोला जाए तो संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। अब समझिए बच्चों, संख्यावाचक विशेषण होता क्या है, तो वह एडजेक्टिव जिसका प्रयोग किसी वस्तु की संख्या व्यक्त करने का बोध करता है। अगर किसी भी एडजेक्टिव, कोई भी एडजेक्टिव शब्द आता है, अगर वो संख्या का बोध करा रहा है किसी वस्तु का, किसी वस्तु का, किसी वस्तु की संख्या को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, तो हम उसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, जैसे वन, टेन, हंड्रेड, ये सब क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। जैसे हम यहां पे लिख सकते हैं इसका एग्जांपल में, इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं साथियों, वन, ओ एन ई, वन, वन माना एक, है ना, उसके बाद हंड्रेड, हंड्रेड, तो ये सारा अपना क्या है, ये संख्यावाचक विशेषण है, ये सारा गुण बता रहा है, या तो किसी नाउन का, जैसे हम बोल सकते हैं कि यहां पे टोटल फाइव चेयर है, मतलब पांच तो कुर्सी है, तो फाइव यहां पे क्या हो जाएगा, वो गुण बता रहा है, किसका गुण बता रहा है, चेयर का, अर्थात वो बता रहा है कि नहीं यहां कुर्सी की संख्या कितनी है, फाइव है। क्लियर दोस्तों, गुड। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डिमोन्स्ट्रेटिव। देखिए ये सारा आप लोग पढ़े हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े हैं ना, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़े हैं, पोसेसिव प्रोनाउन पढ़े हैं, तो सेम यहां भी वही है, लास्ट में सिर्फ एडजेक्टिव लगाया गया है, एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहां देखिए डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मना क्या हो जाएगा दोस्तों, डिमोन्स्ट्रेटिव की बात करें हम तो निर्देशवाचक विशेषण हो जाएगा, हम हिंदी लिख देते हैं सबका, निर्देश हो जाएगा ना, जिस वह एडजेक्टिव जिससे किसी वस्तु का निर्देशित, इंगित करने का काम करता है जिसमें, उसके बाद ये निर्देश हो गया अपना, निर्देशवाचक विशेषण इसका हिंदी लिखना है, निर्देशवाचक विशेषण। अब इसका डिफिनेशन जिस प्रकार से प्रोनाउन में आप पढ़े थे, सेम एडजेक्टिव वही होगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल कोई चेंज नहीं होगा। इसका डिफिनेशन की बात करें तो वह एडजेक्टिव जिसका प्रयोग किसी वस्तु को इंगित करने के लिए किया जाता है, जैसे आपको बताए थे दिस, दैट, दोज, सेम एडजेक्टिव आपको लिखना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट अपना आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता क्या है, आपको बता रखे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बांटना, बांटना मतलब वितरण, तो ये हो जाएगा वितरण वाचक विशेषण। क्या हो जाएगा दोस्तों, वितरण वाचक विशेषण, वितरण वाचक विशेषण, ये सारा चीजें हम आपको बता रखे हैं, वितरण वाचक विशेषण हो जाएगा ये। क्लियर, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है अपना पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव का मना होता है अधिकार वाचक विशेषण। क्या हो जाता है बच्चों, अधिकार। अब जिस चीज से अपना अधिकार की बात हो, अधिकार वाचक विशेषण लिखना पूरा, अधिकार वाचक विशेषण। ठीक है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रखे हैं साथियों, हम वो आपको समझा देते हैं एक बार फिर से, देखिए ध्यान से। डिमोन्स्ट्रेटिव, आप देखिए डिमोन्स्ट्रेटिव का हिंदी होता है निर्देशवाचक विशेषण। अब देखिए निर्देशवाचक विशेषण वह एडजेक्टिव जिसका प्रयोग किसी वस्तु को इंगित करने के लिए किया जाता है उसे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत आता है दिस, दैट, दोज, दीज, ये सब आएंगे। ठीक है बच्चों, जैसे दिस कॉ गिव्स मिल्क, दिस कॉ गिव्स मिल्क, दैट बॉय इज वेरी नटी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, यहाँ पे निर्देश दे रहा है, यह बच्चा नाटा है,
या गाय जो है दूध दे रही है, जो भी है, तो इस प्रकार का क्या है कि निर्देश देने का काम कर रहा है ना। यहां पे क्या कर रहा है, निर्देश देने का काम कर रहा है। नेक्स्ट अपना आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का माना होता है दोस्तों वितरणवाचक, वह एडजेक्टिव जिसका प्रयोग, इसमें दे बोल रहे हैं वह एडजेक्टिव जिसका प्रयोग किसी वस्तु के वितरण या बांटने में किया जा रहा है, बांटने में उसका प्रयोग किया जाता है, तो उसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे ईच, इभरी, नाइदर, आइदर, ये सारी चीजें आपको हम बहुत पहले पढ़ा रखे हैं प्रोनाउन में, क्लियर। नेक्स्ट अपना आता है दोस्तों पोसेसिव एडजेक्टिव, माना अधिकार वाचक विशेषण, वह एडजेक्टिव जिसका प्रयोग, वह एडजेक्टिव जिसका प्रयोग किसी वस्तु पर अधिकार व्यक्त करने के लिए किया जाता है, उसे हम कहते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव। जैसे की बात करें माई, यह पेन, यह जो मार्कर है देख रहे हैं ना, यह मार्कर मेरा है, तो इस पे हम अधिकार दर्शा रहे हैं ना दोस्तों, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यह माई जो वर्ड का प्रयोग किए हम, ये हो जाएगा पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, क्लियर साथियों। आई होप यहां तक सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम इसके जो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे वर्ब के बारे में पढ़ने जाएंगे, वर्ब, बिल्कुल। और बच्चे कमेंट बहुत ज्यादा कर रहे थे कि सर क्या ये सब टेंथ में आएगा, तो साथियों वर्ब जो अगला हम पढ़ाने वाले हैं ना, तो वो आपको आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, उससे आपको फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन पूछता है, हम फिल इन द ब्लैंक्स भी क्लियर कराएंगे, सारी चीजें कराने वाले हैं बेशक, ठीक है साथियों। बस आप वर्ब को पढ़ने से पहले, वर्ब को पढ़ने से पहले आप क्या करें, नाउन को पढ़ लें, प्रोनाउन को पढ़ लें, एडजेक्टिव को पढ़ लें, और पार्ट ऑफ स्पीच को भी पूरा स्टडी कर लें। हम दो वीडियो बना चुके हैं, एक पहले वाले पार्ट में हम सबसे पहले पढ़ाए थे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, फिर प्रोनाउन एक ही वीडियो में आधा घंटा का वीडियो है साथियों, पूरा क्लियर बहुत बढ़िया समझा चुके हैं। ये सारा जो अभी पढ़ाए ये सारा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बहुत ज्यादा डीप में एक एक करके, ठीक है। और लास्ट में जब हम पढ़ा लेंगे पूरा पार्ट ऑफ स्पीच, तब आप लोग जो बोलिएगा वो स्टार्ट करेंगे। एक बच्ची बोल रही थी सर टेंस पढ़ाइए, तो बिल्कुल बच्चों एकदम बेफिक्र आप लोग इसको स्टडी करते जाएं, जैसे ये उम्मीद है कि बहुत ही जल्द इसको समाप्त कर दिया जाएगा, उसके बाद हम लोग टेंस पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर चीज है दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो एक लाइक करना, चैनल पे नया है सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना इस प्रकार के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट पार्ट में वर्ब के साथ, आप लोग रिवीजन करके आइएगा, उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी ट्रिक बताएंगे, बहुत ही शानदार होगा वो, बिल्कुल भी आना ना भूलें, और डेली 5 बजे शाम में मेरा वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो बाय बाय, टेक केयर।